नए साल से 15 दिन पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो खास उपहार देने जा रहे हैं। दोनों से गोरखपुर के टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को नई ऊंचाई मिलेगी। मुख्यमंत्री 15 दिसंबर को रामगढ़ ताल में क्वीन लेक क्रूज का शुभ आरंभ और ताल के सामने बने बहु सितारा होटल कोर्टयार्ड मैरियट का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर रामगढ़ ताल का कायाकल्प शुरू होगा। इसके बाद से दशकों तक उपेक्षित यह ताल पर्यटन व सेवा के क्षेत्र में रोजगार का बड़ा जरिया बन जाएगा। सीएम की मंशा के अनुरूप अब यहां क्रूज की सुविधा मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज की सेवा की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्रूज का संचालन करने वाली फर्म के मुताबिक लेक क्वीन के निर्माण पर 12 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा आया है। क्रूज में 5-स्टार होटल जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। क्रूज संचालन से करीब 100 लोगों को रोजगार भी मिलने जा रहा है। खाने पीने से लेकर मॉकटेल काउंटर और बार की सुविधा भी होगी। 2700 वर्ग फीट के क्षेत्रफल वाले क्रूज पर 3 फ्लोर बनाए गए हैं। इसके अलावा एक वेटिंग प्लेटफॉर्म भी है। क्रूज पर 150 लोगों की क्षमता के 3 हॉल हैं। एक ट्रिप में 2 घंटे तक क्रूज पर सवारी का आनंद उठाया जा सकेगा। सुनिश्चित किया गया है कि 15 तारीख को जो है शाम 4 बजे शासन द्वारा निर्देशित किया गया है प्राधिकरण द्वारा कि 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन की खासियत क्या है, इसमें क्या क्या खासियत है? पहली बात तो लेकिन की खासियत सर ये है कि इंडियन शिपिंग रजिस्ट्रार जो समुद्री मानक होते हैं, जो शिपिंग विभाग होता है उसका IRS एक विभाग होता है, टीम होती है, इंडियन शिपिंग रजिस्ट्रार जो पैनल होता है उसमें यह रजिस्टर्ड जहाज है और जो समुद्र में जहाज जाने लायक है कि नहीं है यह निर्धारित, यह मानक जो है IRS ही तय करती है और उसके पैनल में रजिस्टर्ड यह जहाज है। उत्तर भारत में क्या उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में पहली बार जो है इंडियन शिपिंग रजिस्ट्रार के पैनल में निर्मित जहाज यह है, हमें लगता है। इसकी क्षमता क्या है? इसकी 150 आदमी विद क्रू मेंबर जो है पैसेंजर बैठने की इसमें कैपेसिटी है। टोटल लग्जरी ये क्रूज है, फैंसी क्रूज है सर। कितने फ्लोर में है ये? 3 फ्लोर में है। नीचे की सबसे फर्स्ट फ्लोर जो है इसका ग्राउंड फ्लोर जिसको बोलते हैं, वह क्रूज के मैकेनिकल पार्ट्स की टीम है, जैसे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट इसमें लगा हुआ है, बायो वेस्टेज वाली मशीन लगी हुई है, सेफ्टी इक्विपमेंट के लगे हुए हैं, इंजन है, ड्राइवर केबिन है, ये सब चीज़ें नीचे के फ्लोर पे हैं। जैसे कि इसमें 12 KL जो है 12,000 लीटर डीजल एक साथ इसमें हम डाल सकते हैं, 10,000 लीटर फ्रेश वाटर जिसको बोलते हैं ये पानी इसमें रहेगा और डबल इंजन है और डबल DG है सर और प्रोपीलर भी नीचे है। उसके फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो फिर हमारा एक किचन है, गैली है और उसके दोनों तरफ यूरिनल है, टॉयलेट लेटरिन बाथरूम है, उसके पीछे जो है इंजन रूम है। उसके बाद जो है हमारा 65 आदमी की बैठने की फर्स्ट फ्लोर पे कैपेसिटी है। उसके ऊपर जस्ट आएंगे तो शीतल पेय पदार्थ काउंटर है, जो मॉकटेल काउंटर कहते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐसे जो आते हैं, इस प्रकार के ये जो ड्रिंक्स के काउंटर होते हैं वो काउंटर है, उसमें 60 आदमी की बैठने की व्यवस्था है। उसी में नीचे एक VIP केबिन भी बना हुआ है, कोई VIP मूवमेंट हो गया कि या कोई पर्सनली बैठना चाहता है तो उसके लिए भी हमारे पर्यटकों के लिए विशेष सुविधा दी गई है। LED स्क्रीन लगा है, LED स्क्रीन पे आप मैच, TV, कोई मूवी, कुछ भी न्यूज़, कुछ भी देख सकते हैं, या नृत्य संगीत जो भी अत्याधुनिक चलते हैं वो सब देख सकते हैं। एक लाइव सिंगिंग प्रोग्राम भी हम लोग रख रहे हैं, कॉन्सेप्ट रखे हुए हैं, डांसिंग कल्चर प्रोग्राम जो भी हमारे भरतनाट्यम में इस तरह के जो भी देसी लोकगीत होते हैं, इस तरह के पूर्वांचल से कलाकारों पर निर्मित या पूर्वांचल की मिट्टी की महक संबंधित कोई भी कथा गाथा आप उस चलचित्र पे देख सकते हैं, उस पे प्रेजेंट भी किया जाएगा। मैजिकल शो प्रोग्राम भी हम लोग कराएंगे, इवेंट्स भी कराएंगे मनोरंजन के लिए पर्यटकों के आने वाले। तो रेट की बात करें तो कैसे, किस तरह से पर्यटक इसका लाभ उठाएंगे? सर रेट अल्प वर्ग वालों के लिए भी और उच्चतम वर्ग वालों के लिए भी, सभी लोगों के लिए इसमें सहूलियत से देखते हुए, चूँकि 7 बजे से रात को 11 बजे तक चलने का प्राधिकरण से हमें परमिशन मिला है और रात को 11 बजे का रेट चूँकि फुल डाइट है, उसी में फुल डिनर है, पूरा मेन कोर्स है, सब कुछ है, इस नाते वो थोड़ा उसका चार्ज अधिक है। लेकिन जो सुबह की कास्टिंग है वह 800 भी है, 1000 भी है, 1200 भी है, कई तरह के इसमें कैटेगरी के रेट हैं सर, 2000 की भी रेट हैं सर, जैसा समय आएगा सर वैसा। जिस तरह से गोवा में लोग लुप्त उठाते हैं, हाँ जी, गोवा में निश्चित तौर पर गोवा में कैसीनो होता है
और तमाम तरह के गंदगी के अंबार होते हैं, लेकिन ये पर्यटकों के लिए घूमने के लिए उत्तर प्रदेश ने निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल की है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ये निश्चित उत्तर प्रदेश को एक पर्यटन को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। 1850 एकड़ के ताल में यह जहाज पर्यटकों के लिए विशेष तौर से उपलब्ध है। तो रामगढ़ताल झील में ये जाल जी रामगढ़ताल झील की डेंसिटी ली गई है, ड्राफ्टिंग भी कराई गई है, बैथरमेटिक सर्वे जो होता है समुद्र में के मानक को और गहराई को नापने की एक इको साउंडर मशीन आती है, और बॉम्बे में समुद्र में जो चाहे किसी भी पोर्ट में समुद्र की गहराई को नापने के जो इंजीनियर्स होते हैं वो आकर इसका मैथमेटिक सर्वे करा गए हैं। बाकायदे जैसे गाड़ी का नेविगेशन होता है, रूट लॉक हो जाता है कि इसी रूट पे गाड़ी चलेगी, वैसे इसकी भी एक रूट लॉक है और इसका नेविगेशन हो चुका है कि कहाँ डेप्थ है कहाँ नहीं डेप्थ है, इंजीनियरों द्वारा मानक पूरा कर लिया गया है। जो भी समुद्र में सुरक्षा के मानक होते हैं वह समुद्र जहाज पे इस जहाज पे पूर्ण रूप से उपलब्ध है, सारे सुरक्षा के मानक। अगर जो इन द केस अगर जो आग लगती है तो हमें फायर विभाग की फायर टीम को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसमें फायर फाइटिंग के सारे इक्विपमेंट जो फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट फायर विभाग के पास होता है वो सारे इक्विपमेंट इसमें लगे हुए हैं। तो क्रूज का आनंद लेने के लिए जो गोरखपुर वासी काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं तो घड़ी अब समाप्त होने जी वो घड़ी समाप्त हो चुकी है सर। 15 तारीख से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्घाटन के बाद इसको पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे सर। सर हम लोग भी बहुत उत्साहित हैं, गोरखपुर की जनता भी काफी उत्साहित है, काफी लोग दिन भर में काफी लोग आते हैं पूछते हैं कब ये जहाज का उद्घाटन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का योगदान है इसमें, उनके उनके सहयोग के बिना ही हम लोग ये काम पूरा नहीं कर पाते। 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों इसका उद्घाटन होना तय हुआ है। हम लोग के अंदर गजब का उत्साह है इस समय, हम लोग एक अंदर से खुशी है कि एक साल से हम लोग ये कठिन परिश्रम कर रहे थे कि गोरखपुर की धरती पे इस क्रूज का जितना जल्दी से निर्माण कार्य पूरा हो सके उतना जल्दी हम गोरखपुर वासियों को एक अच्छा उपहार दे सके। जो 15 दिसंबर को माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये गोरखपुर वासियों को एक सौगात दिया जा रहा है, ये हम लोग के अंदर बहुत सौभाग्य की बात है। सर लेक क्वीन पूरे नॉर्थ इंडिया का एक इकलौता क्रूज है जो इतना लग्जरियस 5-स्टार गेट का है। इसमें सर तीन फ्लोर है, नीचे ग्राउंड फ्लोर है जो रेस्टोरेंट सेक्शन है, फर्स्ट फ्लोर पे मॉकटेल काउंटर सेक्शन है। इसमें हम लोग गजल प्रोग्राम, डांसिंग प्रोग्राम, लोकल जो भी जितने भी हमारे संगीतकार हैं उनको बुला करके उनको एक जॉब का अवसर भी देंगे और यहाँ पे हम उनको एक अच्छा मतलब फैमिली इंटरटेनमेंट हम करवाएंगे। थर्ड फ्लोर पे हमारा ओपन छत है जिसमें 50 लोग की बैठने की व्यवस्था है, उस पर भी बहुत अच्छा मनोहर दृश्य देखने को मिलेगा जो गोरखपुर वासियों के लिए और हम लोग के लिए एक बहुत आनंदमय चीज है। क्रूज की खासियत क्या होगी इसमें? क्रूज की खासियत ये टोटल हम लोगों ने इतनी लग्जरियस क्रूज बनाई है सर कि इसमें आदमी को ये नहीं लगेगा कि और खास सबसे खास बात है कि इसमें निम्न वर्गीय आदमी भी एक 5-स्टार लुक और 5-स्टार का मजा ले सकते हैं। इसमें निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग तीनों लोग के लिए हम लोग कोशिश किए कि तीनों वर्ग के लोग आएँ और इस क्रूज का आनंद लें। लागत कितनी आएगी? सर 1200 रुपये इस क्रूज की पूरी लागत आ गई है। एक 2700 स्क्वायर फुट का बर्थिंग पांटून है जो पैसेंजर वेटिंग एरिया है उसको लेकर के ये सब 1200 रुपये की हम लोग की लागत आ गई। क्रूज के चलाने के लिए जो पायलट है क्या कहाँ से आए? सर क्रूज को चलाने के लिए जो पायलट है ये बहुत खुशी की बात है कि अपने एरिया के गोरखपुर देवरिया जिले के दो पायलट हैं, लेकिन उन्होंने विशाखापट्टनम मुंबई और गोवा में 5-5-10-10 साल उन्होंने बड़े बड़े क्रूजों में उन्होंने पायलट का काम किया है जो आज गोरखपुर की धरती पे वो काम करने को तैयार है और वो दो लोग हमारे पायलट हम लोगों ने रखा है। सर जो भी मानक चाहिए क्रूज में सारे मानक सर IIS टेक्नोलॉजी से ये बना हुआ है, इसमें तो हम कोई कोताही भी नहीं कर सकते। समय समय पर हर महीने IIS के टीम आती है, सर्वे करती है, कोई भी किसमें कोई कमी हो तुरंत IIS सर्वे वाले उसको दूर करवाते हैं, तभी वो रिपोर्ट देते हैं, तभी ये जहाज अगले निर्माण में पूरा हो पाया है।